Good morning, students. In previous class, we discussed about comparison of fractions. और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन. देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में टू पेयर्स गिवन है, इसमें आपको पेयर्स देखना है. दिस वन इज लाइक और अनलाइक. इफ इट इज लाइक यू राइट देयर लाइक फ्रैक्शन, और इफ इट इज नॉट लाइक यू राइट देयर अनलाइक फ्रैक्शन. यहाँ पे आपको लाइक फ्रैक्शन के पेयर्स को फाइंड आउट करना है. अब स्टूडेंट्स, वॉट इज लाइक फ्रैक्शन, हम किस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं? नाउ इन दिस फ्रैक्शन ऑल ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. लाइक फ्रैक्शन में जो भी आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स गिवन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. यदि ये दोनों सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन होगी, अदरवाइज इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जो भी डिनोमिनेटर्स आपको गिवन है फ्रैक्शन के, यदि वो डिफरेंट है तो दैट इज नॉट लाइक फ्रैक्शन. फिर वो कौन सी फ्रैक्शन होगी आपकी? अनलाइक. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 7/8, 8/10. अब इन दोनों में हमें देखना है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है. इट इज लाइक, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे क्या? नो. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. यहाँ पर आपको 8 गिवन है, दिस वन इज 10. तो ये लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? दोनों ही डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए थे हमारे? सेम होने चाहिए थे. यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 8 नहीं है और क्या है? 10 है. तो जब दोनों ही डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंट है, इट मींस ये लाइक फ्रैक्शन नहीं हो सकती. तो हम लिखेंगे 7/8 and 8/10 आर अनलाइक फ्रैक्शन. बिकॉज both denominators are different. क्या है इसका रीजन कि ये क्यों अनलाइक है? क्योंकि दोनों साइड जो आपको डेनोमिनेटर्स दे रखे हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट गिवन है. सो इट्स अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज सेकेंड आपको गिवन है स्टूडेंट्स 11/24, 13/24. नाउ अब आइडेंटिफाई कीजिए इट्स लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स देखने होंगे. यहाँ भी 24 लिखा है, दिस वन इज ऑल्सो 24. नाउ इट्स लाइक फ्रैक्शन. जहां भी सेम डिनोमिनेटर्स मिल जाए हमें तो हम कौन सी फ्रैक्शन होगी? फिर वो लाइक फ्रैक्शन. नाउ 11/24, 13/24 आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्यों है ये लाइक? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स कैसे दे रखे हैं हमें? सेम दे रखे हैं. नेक्स्ट इज थर्ड आपको गिवन है 17/20 and 20/17. सो देखिए दोनों डेरिवेटिव्स क्या है यहाँ पर भी? डिफरेंट है. ये 20 की बने और ये 17 है. तो ये फिर कौन सी फ्रैक्शन होगी आपकी? अनलाइक. 17/20 and 20/17 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट इज 7/13, 7/15. देखिए 7/13 and 7/15 दोनों ही डेरिवेटिव्स क्या है? यहाँ आपको 13 दी गई, दिस वन इज 15. सो इट इज अनलाइक फ्रैक्शन राइट हियर. 7/13, 7/15 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपको गिवन है 6/7 एंड
है 6/7 एंड 13/7, यहाँ दोनों ही क्या तरह के डेनोमिनेटर सेम तरह के, सो आर लाइक फ्रैक्शंस. कौन से फ्रैक्शंस होंगे ये? लाइक फ्रैक्शंस. ओके, नाउ दिस विल कंप्लीट योर सॉल्यूशन नंबर सेकंड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, your next question is, convert the following alike fractions into equivalent like fractions. Students, यहाँ पर आपको क्या करना है? Convert करना है alike fractions को like fractions में. आपको यहाँ question में alike fractions given है, इनको change करेंगे हम like fractions में. देखिए कैसे करते हैं. 3/4, 4/5 आपको given है. तो जब भी हमें alike fractions को like fraction करना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसको इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस. देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन अनलाइक फ्रैक्शन में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में. कैसे करेंगे? 3/4, 4/5. तो फ्रैक्शन है आपकी 3/4, फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3/4 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. नाउ मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 4/5 है, तो 4/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर दे रखा है उससे. इसको सॉल्व कीजिए, 3/5 = 15, 4/5 = 20. इसे सॉल्व कीजिए, 4/4 = 16 और 5/4 = 20. नाउ 15/20 एंड 16/20 दोनों के डेनोमिनेटर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? सेम हो गए. तो हमने क्या करना था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन लाइक में गिवन था और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना था, लाइक में कन्वर्ट करना था. लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसको इसके सेकेंड वाली फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ना, और जो सेकेंड वाली फ्रैक्शन है उसको फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये इनके डेनोमिनेटर्स दोनों के क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे. सो दिस वन इज लाइक फ्रैक्शन. कौन सी फ्रैक्शन बन गई अब आपकी? लाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज दोनों के डेनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं. ओके, तो इट्स योर सॉल्यूशन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज आपको गिवन है 3/4 and 5/12. दोनों के डेनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है. जब इसको हम इक्वल बनाएंगे तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 3/4, 3/4 को हम सेकेंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने 3 को 12 से कर लिया, 12 3 = 36. अब 4 को भी 12 से कर लीजिए, 4 12 = 48. नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 5/12. अब 5/12 को जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर क्या है? 4. नाउ 5 को 4 से कर लीजिए, 5 4 = 20 / 12 = 48. सो दोनों डेनोमिनेटर क्या हो गए आपके? कॉमन डेनोमिनेटर्स 36/48 एंड 20/48. कौन सी फ्रैक्शन बन गए दोनों ही? लाइक फ्रैक्शन. क्यों है ये लाइक? वाई इट इज लाइक? बिकॉज इनके डेनोमिनेटर्स क्या हो गए दोनों के? कॉमन हो गए, सेम हो गए. सो इट इज लाइक फ्रैक्शन. इट्स योर आंसर. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स. टुमारो वी डिस्कस अबाउट, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस इट होम. टुमारो वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय.